सेवा का कार्य करने के लिए एक सेन बढ़ चढ़ कर आगे आए थे। और इसके साथ ही इस हफ्ते फिर एक और दान दिया गया है। दरअसल आपको बता दूं, जब रिकेश सिंह यहाँ मौजूद हुए थे, विधायक रिकेश सिंह, तब उनको पूरा गुरुद्वारा परिसर घुमाया गया था। पहला वेतन जब मुझे मिला 2 लाख रुपए, तो मैंने तय किया कि ये जो राशि है मैं अपने माता पिता को दूंगा, क्योंकि हर बच्चे की ख्वाहिश रहती है, लेकिन मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने तय किया कि ये जो राशि मैं कहाँ दूँ। वो है ईश्वर की तरफ से 2 जातियाँ बनाई गई हैं, पुरुष और स्त्री, और धर्म सिर्फ एक ही बनाया गया, मानव धर्म। उन्होंने मानव धर्म को बिल्कुल अपने प्रायोरिटी में रखा और उन्होंने सिख समाज को इतना महत्व दिया और अपने मानदेय से। बहुत सारे विधायक अलग अलग अपने क्षेत्रों के, मगर इतनी सेवा भाव से आगे आना या इतनी चीज़ें दान करना, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो या अन्य सेवा स्थलों पर हो, ऐसे देखने को नहीं मिला है। ऐसा क्यों? जनप्रतिनिधियों से क्या? गुरुद्वारा नानक सार नेहरू नगर, नेहरू नगर में स्थित ये गुरुद्वारा, जिसमें हमने आपको एक हफ्ता पहले दिखाया था कि किस प्रकार से रिकेश सेन ने अपने विधायक मानदेय से जो सैलरी आई हुई थी, उस मानदेय को यहाँ डोनेट किया था। और यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से जो शव के लिए फ्रीजर होता है, उसको लाने ले जाने के लिए एक ई व्हीकल की ज़रूरत थी, ई रिक्शे की ज़रूरत थी, तो उस ई रिक्शे को उस मानदेय के पैसे से खरीद कर यहाँ पर डोनेट किया था, दान दिया था। सेवा का कार्य करने के लिए रिकेश सेन बढ़ चढ़ कर आगे आए थे। और इसके साथ ही इस हफ्ते फिर एक और दान दिया गया है। दरअसल आपको बता दूं, जब रिकेश सिंह यहाँ मौजूद हुए थे, विधायक रिकेश सिंह, तब उनको पूरा गुरुद्वारा परिसर घुमाया गया था। इसके अंदर जो क्लिनिक है वहाँ भी घुमाया गया था, जिसमें किस प्रकार से आपका रक्त जांच होता है, किस प्रकार से एक्सरे होता है, और डेंटिस्ट जो है वहाँ किस प्रकार से मौजूद है, और लोगों की एकदम कम दरों पर इलाज किए जाते हैं, यहाँ तक कि दवाइयाँ जो हैं वो भी कम दरों पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। जब रिकेश सिंह दौरा कर रहे थे, तब गुरुद्वारा समिति की ओर से एक मांग आई थी कि हमारे पास डेंटिस्ट तो हैं, मगर इलाज करने के लिए जो डेंटल चेयर होती है, जिसमें सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उसकी कमी है। तो आप आने वाले 6 महीने साल भर में हमें एक वो भी चीज़ उपलब्ध करा देंगे तो गुरुद्वारा समिति के लिए काफ़ी अच्छा होगा और आने वाले इलाज कराने वाले मरीजों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। विधायक रिकेश सिंह ने देरी ना करते हुए एक हफ्ते के अंदर ही डेंटल चेयर यहाँ पर दान दिया। इस पूरे चीज़ को लेकर विधायक रिकेश सिंह का क्या कहना है, गुरुद्वारा समिति का क्या कहना है, ये आप आगे सुनिए। नेहरू नगर गुरुद्वारे को हाइड्रोलिक चेयर दिया गया, डेंटल चेयर दिया गया है, क्या कुछ इसके पीछे योजनाएं थी? पिछले रविवार को मैं पहला वेतन जब मुझे मिला 2 लाख रुपए, तो मैंने तय किया कि ये जो राशि है मैं अपने माता पिता को दूंगा, क्योंकि हर बच्चे की ख्वाहिश रहती है, लेकिन मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने तय किया कि ये जो राशि मैं कहाँ दूँ, तो सबसे बड़ा समाज सिख समाज, जो सेवा भाव के नाम से जाने जाते हैं, मैंने तय किया कि समाज को मैं गुरुद्वारा नेहरू नगर में उस प्रबंधन को दूंगा। प्रबंधन ने कहा कि हमें राशि नहीं चाहिए, आप एक काम कीजिए, बॉडी फ्रीजर को लाने ले जाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा आप दे दीजिए। तो मैंने तत्काल 2 लाख रुपये की लागत से वो खरीद के दे दी। और जब मैं उनको हैंडओवर किया, तो उन्होंने मुझे पूरा क्लिनिक घुमाया, कि उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर क्या क्या सेवा करते हैं। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित रहा, क्योंकि पहली बार मैं आया। प्रतिदिन लंगर भी होता है, सुबह नाश्ता भी मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो सस्ती दवाइयां हैं, मेडिकल स्टोर है, जो 1,000 रुपये की दवाइयां हैं वो 100 रुपये में मिल जाती है। जो पैथोलॉजी, जो ब्लड टेस्ट कराते हैं, अगर 200 रुपये लगता है तो यहाँ 50 रुपये में हो जाता है। एक्सरे जहाँ 500 रुपये लगता है, यहाँ पर 100 रुपये में हो जाता है। और किसी के पास पैसा नहीं भी है तो भी उसे कभी लौटाया नहीं जाता। ऐसा उन्होंने सभी सेक्शन मुझे घुमाया। जब डेंटल की बारी आई, तो जो यहाँ पे लेके आए, तो उन्होंने, प्रबंधन समिति ने कहा कि बेटा ये डेंटल वो है, डॉक्टर भी खड़ी थी, उन्होंने निवेदन किया कि भाई एक डेंटल चेयर अगर हो जाता आपसे 6 महीने साल भर में कभी भी, तो ये हमारे लिए अच्छा होता। मैं उनका आदेश, मुझे ऐसा लगा कि ये गुरु का आदेश है, मैं उसे वैसा ग्रहण करके मैं यहाँ से निकला। और रायपुर जाते जाते मैंने तत्काल जो है फ़ोन से ऑर्डर किया, और शनिवार को कल ये सारा आ गया, जो अलग अलग हिस्से में था, बॉक्स में बंधा हुआ था। इसे सुबह 5 बजे से आज इंस्टॉल किया गया, और आज बहुत अच्छा दिन है, तो मैंने आज ये जो डेंटल चेयर है गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को दिया है। अब निश्चित रूप से यहाँ पे सेवा भाव होगा, और सेवा भाव के नाम से वैसे भी नेहरू नगर गुरुद्वारा जाना जाता है। अपने मानदेय, 4 महीने के मानदेय को तो रिकेश सिंह ने बांट दिया, चाहे वो झारखंड के देवघर में हो या फिर गुरुद्वारे में। अब इसके लिए पैसे कहाँ से? लोग बार बार सवाल करते हैं। इच्छा शक्ति होना चाहिए, सवाल करने वालों को समझना चाहिए कि अगर सेवा भाव में अगर कोई चीज़ अगर दिया जाता है, तो इसके पीछे ये नहीं सोचना चाहिए कि आया कहाँ से, देने वाले का भाव समझना चाहिए, और इसके माध्यम से जो सेवा होने वाला है उसको समझना चाहिए, आया कहाँ से ये कोई प्रश्न नहीं है।
विधायक हैं, बहुत सारे विधायक हैं अलग अलग अपने क्षेत्रों के, मगर इतनी सेवा भाव से आगे आना या इतनी चीज़ें दान करना, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो या अन्य सेवा स्थलों पर हो, ऐसे देखने को नहीं मिला है। ऐसा क्यों? जनप्रतिनिधियों से क्या अपील करना? देखिए, पांच उंगली बराबर नहीं होता और ये हर किसी के भाग्य में भी नहीं है कि भगवान किसी को ये आदेश दे, किसी को माध्यम बनाए। अगर ईश्वर, अगर कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, अगर वहाँ पे अगर मेरे माध्यम से अगर सेवा भाव हो रहा है और इतने जनप्रतिनिधियों के होने के बावजूद अकेला मैं हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। सभी जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ के ये काम करना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका राजनीतिक उदय भी होता है, आप सामाजिक उदय भी होता है। आप सेवा भाव से जब आप काम करेंगे तो इस शहर में आप प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी कमाएंगे। तो इसलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूँगा कि अपने आसपास के लोगों को मदद अवश्य करें। ऐसा कोई भी संस्थान जो सेवा भाव के इसमें आगे बढ़ रहा है उसको सहयोग करें। आप अपने वक्तव्य में लगातार कहते आए हैं कि जब भी कहीं से डिमांड आ रही है या गुरुद्वारे से या कहीं से, तो ऐसा लग रहा है कि भगवान खुद ये आदेश कर रहे हैं। तो अगला आदेश क्या है, क्या कुछ की तैयारियाँ हैं, ये पूछने में मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं बिल्कुल, और अभी जो भी इस बीच में कोई भी मुझसे कोई भी डिमांड करेगा, मैं अभी तो एक माँ सरस्वती का जिसे वास है, जो अभी कुछ दिन पहले भिलाई टाइम्स ने दिखाया था, जो एक मालती निषाद जो एक सिंगर है, सिंगर नहीं है वो, एक अच्छा गाई है, उनके माता पिता खेत में बासी खा रहे थे और उसने छैयां भुइयां का एक गीत गाया, तो मुझे ऐसा लगा कि उस मेरी बहन मालती के पास मुझे जाना चाहिए, जो मेरे विधानसभा में नहीं रहती है, वो पाटन में रहती है, और कुछ ऐसा सहयोग करना चाहिए कि इसके गीत और संगीत में किसी प्रकार की अड़चन ना आए। एक भाई बन के वहाँ तक पहुँचूंगा और मैं जो देने वाला हूँ वो भिलाई टाइम्स को साथ लेके चलूंगा। विधायक रिकेशन द्वारा लगातार गुरुद्वारे में जो है सेवा भाव से पहले ई रिक्शा दान दिया गया, उसके बाद आज डेंटल चेयर दी गई है। देखो, सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ सिख समाज की तरफ से कि उन्होंने जो है ईश्वर की तरफ से दो जातियां बनाई गई हैं, पुरुष और स्त्री, और धर्म सिर्फ एक ही बनाया गया, मानव धर्म। उन्होंने मानव धर्म को बिल्कुल अपने प्रायोरिटी में रखा और उन्होंने सिख समाज को इतना महत्व दिया और अपने मानदेय से उन्होंने यहाँ पे गुरुद्वारा नेहरू नगर में एक डेंटल चेयर दी और पहले ई रिक्शा दिया, तो ये पूरे समाज की सेवा, मानवता की सेवा के लिए उन्होंने प्रदान किया है। इसके लिए हम पूरा सिख समुदाय और पूरे हमारे सात गुरुद्वारे की प्रबंधन कमेटियाँ उनका बहुत आभार व्यक्त करती हैं। नाम बताओ। हरमिंदर सिंह सैनी, प्रबंधक गुरुद्वारा नानक सर भिलाई। बताएंगे आज विकेश सिंह जी ने एक तो पिछले संडे गुरुद्वारा कमेटी की रिक्शा, हाँ जी, बताएंगे। हम विधायक जी का बहुत शुक्राना करते हैं, उन्होंने जिस हिसाब से पिछले ही हफ्ते हमें एक ई रिक्शा दिया। बॉडी फ्रीजर के लिए थोड़ी तकलीफ आती थी क्योंकि लोग आते थे, उस टाइम साधन नहीं मिल पाता था ले जाने के लिए, और आज उन्होंने वो जब उस दरमियान उन्होंने हॉस्पिटल का दौरा किया तो उन्होंने हमने उन्हें बताया कि हमें थोड़ा सा डेंटल क्लिनिक में एक प्रॉब्लम आ रही है चेयर की, तो उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही वो हमें अवेलेबल कराई और हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, जिस प्रकार उन्होंने मानवता की सेवा की, और आगे भी उन्होंने हमें यही वादा किया है कि जब भी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, हाजिर रहूँगा आपकी सेवा में।